मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा हूं। जलवायु और यूरोप और अमेरिका की जलवायु बहुत अंतर है, आप जानते हैं। यूरोप और अमेरिका बहुत ठंडा है और यूरोप और अमेरिका में दो ही मौसम होते हैं, ठंडा और भयंकर ठंडा। तीसरा कोई मौसम नहीं है, एक तो ठंडा और एक भयंकर ठंडा। भयंकर ठंडा तब होता है जब तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भयंकर है। और ठंडा तब होता है जब तापमान -4 डिग्री या शून्य के ऊपर 4 डिग्री ये तापमान। तो एक तो ठंडा, एक भयंकर ठंडा। गर्मी नहीं होती और बारिश होने का चांस नहीं। क्यों? यूरोप में जब बहुत ठंडा तापमान होना तो वो एक दो महीने नहीं होता, 6-6 महीने होता है। 6-6 महीने -40 डिग्री क्या होगा? फिर बर्फ गिरती रहती है, बारिश की जगह बर्फ गिरती है, पानी की बूंदें नहीं गिरती, बर्फ के गोले गिरते हैं और वो बर्फ गिरते 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 सब जगह छा जाती है। मैदानों में बर्फ, खेतों में बर्फ, खलिहानों में बर्फ, सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, और इतनी बर्फ जमा होती है कि गाड़ी नीचे बर्फ ऊपर, गाड़ी के इंजन खराब हो जाते हैं क्योंकि इतनी ठंडी बर्फ में इंजन भी काम नहीं करता। तो उनके यहाँ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और जहां ज्यादा बर्फ गिरेगी वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, मौसम ऐसा होगा जिसमें सूर्य निकले ही नहीं। और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां समुद्र के पानी में वेपराइजेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा। और जहां वाष्पीकरण नहीं होगा वहां बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बरसेंगे क्या, इसलिए वहां बारिश भी नहीं होती। कभी कभी बारिश होती है गलती से, वो भी बर्फ के पिघलने के कारण, प्रकृति चक्र से नहीं होती। तो वहां एक ही मौसम ठंडा और भयंकर ठंडा, बारिश है नहीं, गर्मी पड़ती नहीं। तो उन देशों में क्या होता है कि अगर बहुत ठंडी वाले इलाके में आप रहना शुरू कर दें तो शरीर भी ठंडा होने लगता है। आप कभी एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना, मैंने किया था एक बार, अपने चारों तरफ बर्फ लगा देना, बर्फ की सिल्लियां आती हैं और उसके बीच में बैठ जाए, हाँ 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सारे जो घुटने हैं ना जड़ हो जाएंगे, कंधे जड़ हो जाएंगे, उंगलियां इतनी स्टिफ हो जाएंगी कि ये भी नहीं कर पाए, हाथ को घुमा ना सके, बर्फ चारों तरफ हो और आपको ऐसे 6 महीने रहना पड़े, सोचो क्या हो। बेचारे यूरोप वाले ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं। तो उनके यहां क्या होता है, अगर शरीर उनका ठंडा पड़ा तो गई जिंदगी, इसलिए वो हर चीज को फास्ट करेंगे ताकि शरीर की गर्मी मेंटेन करें। हम क्या करेंगे जब बहुत ठंड पड़ती है ना, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, गर्मी आए, ये तो मूवमेंट ही हुआ ना, तो वो हर चीज को मूवमेंट से देखते हैं। इसलिए स्पीड होना बहुत जरूरी है, इसलिए उनके यहाँ हर चीज में स्पीड का कैलकुलेशन। भारत में ठंड नहीं है, भयंकर ठंड तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं, यहां तो गर्मी है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी। आप जानते हैं भीलवाड़ा में 50 डिग्री सामान्य हो जाता था और चुरू में तो उसको भी क्रॉस कर जाए। यहां तो गर्म है, तो गर्म देश में तो गर्मी की जरूरत नहीं है, तो हर चीज की स्पीड यहां कम रखनी पड़े। अगर स्पीड बढ़ाई, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा तो गर्मी बढ़ने ही वाली है, उसको कम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही प्रकृति में इतनी गर्मी है और गर्मी आपने बढ़ाई एनर्जी कंज्यूम करके, तो आप तो मर जाएंगे।